समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने कुदरखी विधानसभा उपचुनाव की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराए जाने की मांग उठाई। सपा का प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी अनुज सिंह से मिला और इस दौरान पूर्व विधायक कुंदरकी हाजी मोहम्मद रिजवान, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी शाने अली शानू और वरिष्ठ सपा नेता असलम पंचायती और अब्दुल वद्दू खान मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य में भेदभाव किए जाने सहित अनेक गंभीर आरोप लगाए और इस कार्य को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ अंजाम दिए जाने की मांग उठाई। डीएम द्वारा प्रतिनिधिमंडल को उचित आश्वासन भी दिया गया। डीएम के साथ हुई वार्ता के विषय में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये था, जिससे शक पैदा हुआ, यादव और मुसलमान दलित सारे BLO और सुपरवाइजर और लेखपाल सब हटाए गए, क्षेत्र सब मतलब क्यों हटाए गए, क्या बजाए। उसके बाद में लेखपालों को सूची दी गई और लेखपाल भी नहीं लगाए गए। लेखपाल हमारे जो थे हल्कों पर वो लेखपाल नहीं थे, दूसरे लेखपाल लगा के इन्होंने उनसे साइन करवाए जबरन, और उसके बाद जो है वो चीज़ें वहाँ ये कर रहे हैं। अपने दलालों से बनवा के, जो भी BJP के एजेंट हैं वो अपने गांव गांव उनसे बनवा के और फर्जी तरीके से काटने की साजिश की थी लोगों को, वो हमें सूचना तक मिली और वो लिखते हैं। हमारे पास सब सबूत है, ऐसा नहीं है ऐसे खाली बात करने का नहीं। वो जब नंबर आएगा वो सबूत देने का, तो सबूत भी है, लिखते भी हमारे पास सब। तो इस तरह के हर बूथ पर जो है मुस्लिम बूथों पर ये खेल खेले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट को हमसे काट दें और उसके बाद जो है इस सीट को हटा लें। तो ऐसे थोड़ी हटा ली जाएगी, जनता वोट डालेगी, लोकतंत्र है ये, ऐसा थोड़ी है क्योंकि अंधेरगर्दी इतनी अंधेरगर्दी हो जाएगी। क्या मांग की है आपने? अरे हमने ये मांग की कि जैसे प्रधानों का जो और राशन डीलरों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जो परफॉर्मर दिए गए हैं कि आप जो है समाजवादी पार्टी के वोटर्स के नाम इसमें लिख के दो, हैं BJP के वोटर्स के नाम इसमें लिख के दो, वो बेचारे क्या लिख देंगे? अरे भाई कौन किसे वोट देगा क्या मालूम मुझे, ये बात तो बिल्कुल वो है। लेकिन ये मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे तो बहुत पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही था, ये दूसरा पॉइंट ये है कि जब और तहसीलों में और विधानसभाओं में, जैसे कांठ विधानसभा है उसका काम कांठ में हो रहा है, तो ठाकुर द्वारा का विधानसभा का काम ठाकुर द्वारा में हो रहा है, हमारी कुदरकी क्योंकि बिलारी तहसील की के कुदरकी विधानसभा नाम उसका कुदरकी है, तो हमारा काम आवाज़ में क्यों हो रहा है? हमारा काम बिलारी तहसील में होना चाहिए, सारा काम जो भी हमारे चुनाव का है वो सारा काम हमारा वहाँ होना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि ये BLO जो हैं ये क्यों हटाए और क्या इन BLO से नए लगाए, इनसे क्या चाहते, क्या इनकी नीयत है, क्या आश्वासन दिया डी ठीक है? आश्वासन तो देंगे अधिकारी, और निष्पक्ष चुनाव होगा, यही आश्वासन दिया।